क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 है। रिलेशन बताना है एक्स और वाई का सच दैट ये जो पॉइंट है एक्स वाई वो इक्विडिस्टेंट पर है इससे। तो लेट देखो, अगर मैं इसको क्या कहूँ, लेट मैं इसको कह दूँ पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, क्या पॉइंट लोगे, इसको ए कह दोगे 3 6 एंड इसको कह दोगे बी -3 4। ठीक है, देखो क्या होगा, पी ए लिख दो, पहले पी ए इक्वल होगा पी बी के। जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें स्क्वायर आता है, स्क्वायर रूट, उससे बचने के लिए हम हमेशा ऐसे स्क्वायर लिखते हैं। नाउ यूज़ किसका करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो बार बार ना लिखने की बजाय आप एक बार मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, इसको उठा के इनके ऊपर यहाँ लिख देना। ठीक है, फिर पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यानी कि ये यहाँ ऐसे लिखना, फिर ये दोनों लिखना, तो ये दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। पी ए, अब देखो ये इस तरीके से है, ये पी पॉइंट है कोई एक्स वाई, या आपका ए पॉइंट है 3 6, ये आपका बी पॉइंट है -3 4, ये ऐसे इक्विडिस्टेंट पर है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है आपकी इक्वल। पी ए आपका क्या होगा, 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी क्या होगा आपका, -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको खोलना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लगाएंगे 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 x, 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 y इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस 3 है ना, तो जब वैसे तो माइनस खुलता, अब तो ये अब आपका खुलेगा ही माइनस का 2। ए क्या है आपका -3, बी क्या है x, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6x प्लस का 4 4 16 प्लस वाई स्क्वायर 2 4 8 y। अब देखो प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो यहीं कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 6x से 6x कैंसिल नहीं होगा, दोनों साइड सेम साइन होता है जब कैंसिल होता है, 36 है ही नहीं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। देखो क्या क्या बचा, पहले लिख लूँ, यहाँ पे 6x बचा, 36 बचा, 12y बचा, इधर 6x बचा, 16 बचा, माइनस का 8y बचा। x और y सेम साइड, कांस्टेंट सेम साइड ले लो, x को इधर उधर आ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इधर ले लो, y को भी उधर ले जाओ। ठीक है, तो आपका 16 इधर आ जाएगा, यानी कि मैंने सेपरेट कर लिया, मैं इसको उधर ले गई और इसको इधर ले आई, 6 + 6 12x, 12 में से 8 गया 4y, 36 में से 16 गया 24 आता है कॉमन, 4 3 12, 4 1 4 इज इक्वल टू 20, 4 5 होता है 20, यानी कि आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आया 3x + y इज इक्वल टू 5। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी